हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटेक सुभाष चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूनियन बैंक एटीएम ब्लॉक करना सीखेंगे। अगर आपका एटीएम कहीं गुम हो गया है या ज़्यादा दिन यूज ना करने पर इंसर्ट कार्ड दिखा रहा है, लेकिन आपका अकाउंट से एटीएम के लिए पैसा कट रही है लेकिन आपका एटीएम काम नहीं करती, आप न्यू एटीएम अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको पुराना एटीएम को ब्लॉक करना पड़ेगा। जब तक आप पुराना एटीएम को ब्लॉक नहीं करते तब तक के लिए आप न्यू एटीएम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो में दो प्रोसेस दिखाए है एटीएम ब्लॉक करने का। अब चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस है, आप ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर से कॉल करके कस्टमर केयर अधिकारियों से बात कीजिए और अपना एटीएम को ब्लॉक कीजिए। स्क्रीन पर दो नंबर दिखा रहा है, उनमें से किसी एक नंबर से आप कस्टमर केयर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अगर इस दो नंबर से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप इस दो नंबर से कस्टमर केयर अधिकारियों से संपर्क करके अपना एटीएम को ब्लॉक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको चारों नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, ये था कस्टमर केयर अधिकारियों से बात करके एटीएम ब्लॉक करने का। दूसरा प्रोसेस है, आप एसएमएस के जरिए अपना एटीएम को ब्लॉक कर सकते हैं। अपना एसएमएस बॉक्स ओपन कीजिए और टाइप कीजिए अनब्लॉक, उसके बाद स्पेस दीजिए और लास्ट में अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर टाइप करके स्क्रीन पे दिखाई गई नंबर पे सेंड कीजिए। सेंड करने पर आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा अपनी एटीएम ब्लॉक होने का। दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो यूनियन बैंक एटीएम ब्लॉक करने का। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। धन्यवाद।